वैकुंठ देवा नमन सिस्टम ऑफ क्लास 9। आज हमारा क्लास 9 का नमन सिस्टम का फिफ्थ क्लास है। हम लोग चार क्लास पहले भी कर चुके हैं, उसमें बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए था। आज हम लोग इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, नंबर लाइन पे कैसे होता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्वेश्चन भी दिया है कि सर इरेशनल नंबर हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। एक लड़का क्वेश्चन किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, 0.16 और 0.17 के बीच दो इरेशनल नंबर लिखना है। पता क्या, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। याद रहे कि 0.16 और 0.17 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। इस दोनों रेशनल नंबर के बीच हम लोग को दो इरेशनल नंबर निकालना है। कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहले कुछ बातें हैं उसको अच्छा से स्टडी कर लेना है। तो दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारा रेशनल नंबर भी हो सकता है और बहुत सारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है, याद रखना है। और दो इरेशनल नंबर के बीच भी बहुत सारा इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग को 0.16 और 0.17 के बीच दो इरेशनल नंबर लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इरेशनल नंबर होता क्या है, तब से ये बनेगा। हम लोग जानते हैं कि जिसको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इस यह भी टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है। अगर बार बार हम 1616 लिख दें तो फिर रिपीटिंग के फॉर्म में आ जाएगा, फिर भी इरेशनल नहीं होगा। तो हम लोग याद रखना है कि ना ही यह नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही नंबर यह रिपीट करना चाहिए, तभी तो इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग को करना क्या है, इससे ज्यादा और इससे कम लिखेंगे तभी तो होगा बीच में इसका। तो करना क्या है, 0.1 नंबर लिख देना है 0.16। अब हम लोग को यह पहले देखना है कि 16 जो है और 17 जो है इसके अगर जीरो लगाते हैं लोग 160 या 170 होगा। इट मीन्स 160 और 170 के बीच में हम लोग को जितना नंबर है उस पर ध्यान देना है। तो वो इसके बीच में हमारा 61 होगा, 0.162 होगा, 0.163 होगा, इस तरीके का नंबर होगा, 0.164 होगा। इसी को हम लोग को ऐसा सेट कर देना है कि ना ही यह टर्मिनेटिंग हो और ना ही यह रिपीटिंग हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वन है ना, इसको डबल वन कर देते हैं, 6 फिर ट्रिपल वन तब 6 फिर 6, इस तरह से डॉट डॉट देंगे तो यह नंबर ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। यह हमारा काम सफल हो गया इरेशनल। इसको क्या करना है, अब हम लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं। एक सिंगल टू है, यहाँ 6 देंगे, अब इसको डबल टू बनाएंगे, फिर 6 देंगे, ट्रिपल टू बनाएंगे, फिर 6 देंगे, 4×2 लिख सकते हैं, 4×2 लिख सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग डॉट 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 लगा देंगे, ये हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल में है 6 देंगे, फिर डबल 3 लिखेंगे, फिर 6, ट्रिपल 3 लिखेंगे, फिर 6, अभी 4×3 लिखेंगे, फिर 6, 5×3 लिखकर फिर 6, इस तरीके के लिखकर हम लोग डॉट 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 लगाए हैं, ये हमारा कौन सा नंबर हो गया इरेशनल। तो याद रखना है हम लोग को कि दो रेशनल नंबर के बीच भी बहुत सारा इरेशनल नंबर हो सकता है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर ये दोनों के बीच इरेशनल लिखना, इस तरीके से हम लोग इरेशनल लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये नहीं कि रटना करना, हम लोग को ध्यान बस ये देना है इरेशनल लिखना है तो हम लोग ऐसा सेटिंग करेंगे कि ना ही वह टर्मिनेटिंग हो और ना ही वह रिपीटिंग हो, बस यही ध्यान देना है हम लोग को। अब हम लोग आइए सीखते हैं इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, या कभी कभी देता है रियल लाइन, नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर √2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
ऐसे हम अभी रफली बताएंगे आप लोग को बोर्ड पर, लेकिन आप लोग को कंपास स्केल पेंसिल का हेल्प लेकर बनाना है कॉपी में। करना क्या हम लोग को, सबसे पहले एक पेज पर अपना एक लाइन बना लेंगे हम लोग। इसके बाद कहीं भी हम लोग एक मार्क देकर उसको जीरो लेट कर लेंगे। उसके बाद वन यूनिट हम लोग को मर्जी के हिसाब से है, यह नहीं कि एक सेंटीमीटर या एक इंच या दो सेंटीमीटर, हम लोग जितना मर्जी कर रहा है उतना अपने कॉपी के हिसाब से एक यूनिट लेट कर लेंगे। मान लेते हैं यहां से हमारा एक यूनिट है, कंपास से ही कट करना है हम लोग को, ठीक है। एक यूनिट हमारा यहाँ पे हो गया, एक यूनिट हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग को करना क्या है, जहां पे ये पॉइंट आया उसमें 90 डिग्री का या परपेंडिकुलर हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट से हम लोग को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सबसे पहले कंपास को थोड़ा बड़ा करके ऐसे घुमा लेंगे। या ध्यान देना हम लोग को इस तरीके से काटना है, यह लाइन दो बार कट कर जाए, उसके बाद उसको थोड़ा सा बड़ा करना है हम लोग को, और एक बार यहां से ऐसे कट कर देना है और एक बार इधर से इधर कट कर देना है, ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन हो गया। या आप लोग 90 डिग्री का एंगल भी बनाकर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा आसान तरीका था, क्या करना है दो बार इस तरीके से काटना है कि दो बार कट जाए एक लाइन को, फिर उस कंपास को थोड़ा बड़ा करके ऊपर और एक बार इधर से जैसे ही कट करेगा एक हम लोग को लाइन खींच देना उससे लेकर एक परपेंडिकुलर लाइन। अब हम लोग को यहां से ध्यान देना है क्या, यहां से जीरो से लेकर वन तक जो एक यूनिट था उतना ही मेजर करके कंपास से हम लोग को इधर भी कट कर देना है, जितना यह है उतना ही हम लोग इधर कट करेंगे। कट कर लिए, इसका कुछ नाम दे देते हैं बी या ए, कुछ भी नाम दे देना है। यह हमारा क्या था, ओ था पॉइंट। अब हम लोग को करना क्या है, जीरो से ओ से बी को हम लोग को लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहां से हमारा एक स्केल के थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यही ओ बी जो हमारा हो गया रूट टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब करना क्या है, इससे हम लोग को यहां से कंपास को थोड़ा बड़ा करके यहां से इस पॉइंट तक ले जाकर डॉट डॉट लाइन से हम लोग को नीचे कट कर देना है। जहां पे कट किया वही हमारा इस नंबर लाइन पर वही रूट टू का काम करता है, मतलब OB या OA जो होगा का लेंथ जो होगा रूट टू के लेंथ के इक्वल होगा। ध्यान देना इस बात को, मतलब OB भी लिख सकते हैं या OA भी हमारा जो होगा रूट टू के वैल्यू के बराबर होगा। और बोलेंगे सर कैसे आप पता कर दें कि रूट टू के बराबर होगा, तभी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना है। अब बताएं हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे कुछ अगर नाम दे देते हैं सी, तो ओ बी सी में अगर ट्रायंगल में देखा जाए तो हमारा ओ सी जो है 1 यूनिट का है, बी सी जो हमारा ये भी 1 यूनिट है, तो हमारा ओ बी जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और 7th क्लास से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं, ओ बी निकालने के लिए ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होता है, और ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 का रूट 2 होगा, निकलेगा नहीं होगा, तो कहने का मतलब भी हमारा कितना आया √2। अब बोलता क्या कि सर आप ये वो हल्का था √2 का वही बता दिए, √3 का कैसे बनेगा, तो हम लोग को अब √3 कहता है, √4 कहता है, √5 कहता है, √6 कहता है, कोई भी कहे, ध्यान में देना हम लोग को √4 जो है वह इरेशनल नंबर नहीं है, √9 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, √16 है इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पर √3 का कहता है, √5 का कहता है, √6 का था, √7, √9, √8, √10, √11 कुछ भी कहें, इसी के थ्रू हम लोग को बनाना है कैसे, तो √3 का देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कहता रिप्रेजेंट √3 और नंबर लाइन, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कहता तो हम लोग के पास एक मजबूरी है √2 का बनाना पड़ता। √2 का बनाने के बाद हम लोग को करना क्या है कि जो काम हम इस लाइन पे किए थे अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे वही काम अब OB पे हम लोग को करना है। क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना, तो ऐसे नहीं सीधा बस देख के खींच लेना है, क्या करना है हम लोग को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार कट करेंगे 60, दोबारा कट करते हैं 120, 60 पर से ऐसे और 120 पर से ऐसे, जहां पे कट करेगा उससे इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, यह हमारा एक क्या हो गया
90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो तिरछा है, 90 डिग्री का होगा कैसे? तो यह भी लाइन पर तिरछा है। अगर यह तिरछा होगा तो इसका 90 डिग्री भी तिरछा होगा। यह सोजा सीधा है, यह भी क्या होगा 90 डिग्री का भी सीधा होता। तो कहने का मतलब यह है, अब हम लोग को करना क्या है, एक यूनिट जो हम लोग शुरू में मेजर किए थे बस एक ही यूनिट यहाँ पर भी हम लोग को मेजर कर लेना है। एक यूनिट यहाँ से यहाँ कंपास को मेजर कर लेंगे कितना था, और यहाँ से यहाँ एक यूनिट हम लोग क्या कर लेंगे काट लेंगे, कुछ अलग नाम दे देंगे जैसे बी, और यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, हमारा ओडी जो हो गया यही हम लोग का क्या काम करेगा, ओडी जो है रूट थ्री का काम करेगा। अब इससे हम लोग एक क्या कर लेते हैं, इससे भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे आया हमारा किसका काम करेगा रूट थ्री का। यहां से यहां जो लेंथ होगा जैसे डी हो गया चाहे ई हो गया कुछ भी लेंथ करेंगे वही जो हमारा रूट थ्री का काम करेगा। इस तरह से रूट फाइव कहेगा, रूट सिक्स कहेगा, रूट सेवन कहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे तो इसी तरीके से हम इस लाइन पे बनाएंगे, फिर आएगा उस लाइन पे बनाएंगे, इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जाएगा एक स्पाइरल बनता जाएगा। इस तरीके से पूरा हम लोग जैसे ही बनाएंगे एक स्पाइरल बनता जाएगा। कुछ स्टूडेंट जो पूरा कंप्लीट नहीं किए उनको लगता है कि एक सर्कल बनेगा, नहीं सर्कल नहीं बनता है, एक स्पाइरल पथ बन जाता है पूरा। इस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसका एक क्लास और होगा नंबर सिस्टम का मैग्नीफाइंग करने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक क्वेश्चन जो भी होगा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।